नागरिकता संशोधन बिल पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन समाना में कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने कहा कि इस पार्टी ने लोगों को भड़का रही है और मुसलमानों को इस देश में कोई ख़तरा नहीं है। यह जो बिल बनाया गया 1987 के बाद जो भी व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान के अंदर देश के अंदर जन्म लिया है उसको नागरिकता दी जाएगी, ये सिर्फ कांग्रेस द्वारा भड़काया जा रहा है और यह संशोधन बिल देश के हित में है। इसका किसी भी धर्म के व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, मुस्लिम हो। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं, शरणार्थी हैं, उनको अपनी पहचान देनी होगी। किसी भी इस देश के व्यक्ति को खतरा नहीं है इस बिल से। नागरिकता शोध बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नागरिकता शोध बिल। इस गल च कोई भ्रांति नहीं है, सरकार वालों बिल्कुल समझा के दस के ये शोध बिल, नागरिकता जो शोध बिल लिया पार्लीमेंट में वो सारा कुछ दस के लिया गया है। ये तो कांग्रेस वालों जो जमात ने जिड़िया एक तुष्टिकरण की राजनीति कर दें, वो मोहम्मडन लोगों, मुसलमान लोगों भड़काहट पैदा कर रहे हैं, जदों कि मुसलमान भरावों इस प्रति कोई संकत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल है ये निरोल उन्होंने लोगों वास्ते हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जेडे अफगानिस्तान वर्गे मुल्कों के त्रासदी भरिया जीवन बतीत कर रहे हैं, वो जे इतने आके बस गए हैं या जे इतने रह रहे हैं या इतने आना चाहते हैं, हिंदुस्तान उन्होंने नागरिकता दे तो मेरा ख्याल है यदा मुसलमान वर्ग को कोई नुकसान नहीं, ना ही मुसलमानों को इदा का कोई भ्रांति मन च रखनी चाहिए है कि यह जो मुल्क है सारे का साझा मुल्क है, जिस हिंदू भी ने, सिख भी ने, ईसाई भी ने, मुसलमान भी ने, सारे वास्ते नागरिकता बराबर है। पर जो ये नागरिकता शोध बिल लिया गया है इस दे विच मुसलमानों को कोई चिंतित होने की लोड़ नहीं है, ना ही मुसलमान भरावों इस प्रति कोई शंकित होना चाहिए, क्योंकि यह जिहड़ा बवेला फैलाया गया है ये कांग्रेस ने फैलाया है। प्रियंका गांधी धरनिया ते जांदी है, उन्हां दा मतलब मंतव सिर्फ यही है देश दे विच अराजकता फैलाना। असीं पुरजोर शब्दों इस गल की निखेधी करते हैं कि कांग्रेस को अपने फर्जों प्रति सुचेत होना चाहिए और उन्होंने भाईचारक सांझ बना के रखनी चाहिए है और किसी गुमराह करके यहोजी सोड़ी सियासत नहीं करनी चाहिए। या सारे समाचार पत्रों में एक सुरखी लगी है भी सन 1987 तो बाद जिन्हें भी इतने लोग रहते हैं जिन्हों का इतने माँ बाप इतने ने और उन्होंने जन्म इतने बर्थ इतने है, उन्होंने नागरिकता शोध बिल के दायरे के अंदर ने, उन्होंने किसी तरह की कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। वो सारे मुल्क के हाँ उन्होंने उन्होंने वास्ते जे उन्हों को आधार कार्ड ने तो सफिशेंट ने, जो नहीं तो कोई गवाह उन्होंने हक में कोई तो स्पष्टीकरण देगा तो उन्होंने नागरिकता शोध बिल के दायरे के रहेंगे। कैमरामैन बाल सिंह गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।